नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज तक आपने कितनी स्पीड पे सफर किया होगा, 100, 200, 500 या फिर 800 मैक्सिमम एरोप्लेन के अंदर। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर आपको कहा जाए कि आप ट्रेवल करेंगे 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये कैसा लगेगा आपको? जी हाँ दोस्तों, अब आ गया है हाइपर लूप वन, जो कि वर्जिन के द्वारा इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इसका प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो गया है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेंस 2018 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है, जिसके द्वारा अब हाइपरलूप प्रोजेक्ट जल्द ही इंडिया में शुरू हो जाएगा और ये 5 साल में बनके तैयार भी हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हाइपरलूप वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, ये कैसे वर्क करता है, कौन सी इंडियन सिटीज के अंदर ये आने वाला है और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग संजीव टेक्निकल को और हिट कीजिए बेल आइकन को मेरे हर लेटेस्ट अपलोड वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन ड्रॉअर में सबसे पहले पाने के लिए। मैं आपको यहां बता दूं कि हाइपरलूप के फाउंडर हैं एलन मस्क और वो पिछले 5-6 सालों से इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। दोस्तों जनरली हम 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही जानते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहां पे 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो है हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट दोस्तों। और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको मिलेगी 1000+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि बहुत ही फास्ट स्पीड से ये चलेगा। और जिन सिटीज़ के अंदर ये चलेगा वो है पुणे और मुंबई, ये दोनों सिटी के अंदर का डिस्टेंस लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ये कवर कर लेगा दोस्तों। और शायद ये वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जो सबसे पहले इंडिया में ही कंप्लीट होगा दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हाइपरलूप का प्रोजेक्ट दुबई से लेकर के अबू दुबई और फिर लॉस एंजल्स से लेकर के लॉस वेगास तक का भी प्लान किया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ये वर्क कैसे करेगी दोस्तों। इसमें होगी एक बस टाइप की कैप्सूल जो कि वैक्यूम सील ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक लेविटेट की टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करेगी। वैक्यूम ट्यूब आपको बता दूं कि क्या होती है, जैसे किसी ग्लास का जार लेकर के एयर टाइट कर दिया जाए और उसके अंदर से सारी की सारी एयर को निकाल दिया जाए, यानी कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए दोस्तों, तो उसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स को जोड़ करके एक पाथ बनाया जाएगा जिसके अंदर एक बस या फिर कह लें कि एक कैप्सूल को लेविटेट किया जाएगा, यानी कि वो ट्यूब के सेंटर के अंदर फ्लोट करेगा, वो कहीं भी टच नहीं करेगा और उसके बाद उसे मूवमेंट दी जाएगी जो कि काफ़ी तेज मूवमेंट होगी क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन वाला ऑब्जेक्ट उसको टच नहीं कर रहा होगा दोस्तों, जिससे ये बिना किसी फ्रिक्शन के फ्री मूवमेंट करेगी। लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल पाएगी और इससे तेज भी चल पाएगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये इको फ्रेंडली होगी, तो शायद ये एनर्जी जो है अपनी हाइपरलूप बस के टॉप पे लगे हुए सोलर पैनल से लेगी, ऐसा इसके कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है। ऐसे ही कोई जानकारी और मिलती है मैं आपको बता दूंगा, जैसे इसके ब्लूप्रिंट इंडिया के अंदर आ जाएंगे तो मैं आपको इसके ऊपर पूरे डेडिकेटेड वीडियो बना करके दिखा दूंगा कि ये कैसे वर्क करेगी दोस्तों। आई होप कि आपको हाइपरलूप के बारे में पता लग गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव इस वीडियो हमारे इस चैनल को लेकर के है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फेसबुक पेज पे ताकि आपके फ्रेंड और रिलेटिव भी इसके बारे में जान सकें और उन्हें पता चल सके हाइपरलूप के कंसेप्ट के बारे में दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें और ब्लॉग संजीव टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ दोस्तों। ब्लॉग संजीव टेक्निकल देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद दोस्तों।